बात झारखंड की करते हैं, जिसको लेकर दिल्ली में बैठक चल रही है। कांग्रेस खेमा झारखंड की सियासत को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। जी हां, कांग्रेस की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। किस तरह से संगठन की आगे की रणनीति हो, किस तरह से कांग्रेस झारखंड में अपना प्रभाव बढ़ा सके, इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से सहयोगी अंकित जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अंकित, झारखंड को लेकर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक को लेकर क्या अपडेट है? तो जिस तरीके से आगामी समय में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, और इस बैठक की पूरी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार इसमें सहभागिता कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो 21 बड़े नेता हैं झारखंड के कांग्रेस के, वो इस बैठक में सहभागिता करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए। इस पर कहीं ना कहीं आगामी समय में विधानसभा का जो चुनाव है झारखंड को लेके, उसमें चिंतन और मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद है, और और प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल किए गए। इस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा पर जो हारी हुई सीट है, यानी कि जो उपचुनाव है, उस पर भी कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया जाएगा। महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में कैसे लेके जाएं, और जो तमाम विपक्ष के द्वारा जनता को बरगलाया जा रहा है, उस पर रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, धन्यवाद। तो दिल्ली में झारखंड को लेकर रणनीति तय हो रही है, और रांची में क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए हम सीधे रांची का रुख कर लेते हैं। कांग्रेसी नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं रुचि, लेकिन जो विरोधी खेमा है, सत्ता में कैसे वापसी हो, इसको लेकर बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नाम को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वो बैठकों में भी जुट गए हैं। किस तरह की तैयारी है एनडीए खेमे की विधानसभा को लेकर, जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए दो राष्ट्रीय स्तर के नेता जिन्हें जिम्मेवारी मिली है, जो कि चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि काफी अनुभवी मान रही है भारतीय जनता पार्टी, और यह कह रही है कि उनके नेतृत्व में आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, चूंकि मात्र 4 महीने का समय बचा है, और इन 4 महीनों में कैसे 81 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाए, वहाँ के जनता हो, कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर तक के जो नेता हो, उन्हें कैसे एकजुट किया जाए ताकि जो फतह है वो हासिल हो सके, 2019 जैसे परिणाम एक बार फिर से ना देखने को मिले, इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। और देखिए तारीख हर तय तिथि के अनुसार इनका कार्यक्रम का निर्धारण हो गया है, और आगामी आने वाले दिनों में ये राज्य सरकार के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर इनके कार्यक्रम की बात की जाए तो आने वाले दिनों में जिस बूथ पर बेहतर प्रदर्शन हुआ है, चूंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम सामने आए उससे लेकर के, और भाजपा एक तरह से चिंतित भी है, लेकिन ये खुशियां भी जाहिर करती हुई दिख रही है। कल अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जो कि अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद जताते हैं, चूंकि 81 लाख वोट जो हैं वो हमें यहाँ से मिले हैं, कि लगभग 80 लाख से ऊपर के वोट हैं, यानी कि मत हैं, वो झारखंड से मिले हैं, तो हम उन मतदाताओं के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। और अभी वर्तमान में 51 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में हमने लीड किया है, तो अभी अगर प्रेजेंट में भी चुनाव होता है, यानी कि वर्तमान परिस्थिति में भी चुनाव होती है, तो हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा दावा है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, सत्ता पक्ष की बात की जाए या सत्ता में सहयोगी दलों की बात की जाए, एक बार फिर से सरना धर्म कोड हो, 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य के लिए ज्वलंत रहे हैं, उठाने का काम कर रही है, यानी कि जो सिगुफा है 1932 का या फिर सरना धर्म कोड का, वो छोड़ने का कार्य कर रही है, और जनता के बीच जा करके, चूंकि राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां तो बताएगी, साथ ही साथ केंद्र पर जो दो ऐसे गेंद फेंके गए हैं, यानी कि सरना धर्म कोड का हो, बीसी आरक्षण का हो, या 1932 आधारित स्थानीय नीति का हो, इन सबको लेकर के, और देखिए एक बार फिर से केंद्र को घेरने का प्रयास कर रही है, बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है, तो देखना होगा कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, चूंकि कम समय में ही बीजेपी अपनी रणनीति के तहत कार्य करना शुरू कर दी गई है, तो देखना होगा कि खास करके जो ट्राइबल सीटें हैं, ट्राइबल जो क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, वहां पर कितना बीजेपी ग्राउंड लेवल तक जुड़ पाती है, चूंकि वहां के लोगों की संस्कृति को
वहाँ के पहनावा ओढ़ावा खान पान हर एक चीज को बारीकी से समझना होता है और देखिए तभी जाकर के वो उस क्षेत्र में खास करके उस एरिया में जो है वो फतेह कर पाएंगे। हालांकि इनका कहना है कि हम आदिवासियों के हित का कार्य हमेशा से करते रहे हैं और आने वाले दिनों में सरना धर्म कोड की भी बात की जाए तो उस पर बिल्कुल ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों में लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए का कहें या बीजेपी का कहें अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है तो वहां कैसे पार पाते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखना दिलचस्प होगा। यानी कि राज्य नेतृत्व को केंद्र नेतृत्व का सहयोग चाहिए होगा ताकि विधानसभा में 50 पार जा सकें जो फिलहाल एक लक्ष्य निर्धारित करती पार्टी दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।